प्रकाश नारायण की जयंती पर सियासत तेज, कार्यक्रम करने पर अड़े अखिलेश यादव। प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को किया गया सील। टीम की चादरों से बंद किया गया जेपीएनआईसी का गेट, बिना अनुमति कार्यक्रम में शामिल होने पर अड़े हैं अखिलेश यादव। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जारी किया पत्र, अखिलेश के जेपीएनआईसी में जाने को लेकर जारी की गाइडलाइंस, लिखा यहां चल रहा निर्माण कार्य, अखिलेश यादव का वहां जाना सुरक्षित नहीं। जेपीएनआईसी को सील करने पर अखिलेश का यूपी सरकार पर हमला, कहा हर साल सपा के लोग यहां आकर रखते थे विचार, आज कार्यक्रम होना तय है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहां इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? सपा प्रवक्ता सुनील सिंह यादव का बीजेपी पर हमला, का जेपीएनआईसी में बीजेपी पहले कर चुकी है कार्यक्रम, अब अखिलेश को जाने से रोका जा रहा है। जेपीएनआईसी में खुद योगी जी ने, बीजेपी ने कार्यक्रम किया है, जब माननीय अखिलेश यादव जी को जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उनको माल्यार्पण करने जाना है तो गेट पर टीन लगा रहे हैं। राहुल गांधी का प्रमोद कृष्णम पर बड़ा हमला, प्रमोद कृष्णम ने कहा कांग्रेस की बर्बादी के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो राहुल गांधी है। कांग्रेस की बर्बादी का अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो उसका नाम राहुल गांधी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस के प्रवक्ता भी मान रहे हैं कि उनको सिर्फ मुसलमान वोट देते हैं, कांग्रेस नहीं मुस्लिम लीग है। उत्तराखंड के चमोली में नाबालिग से रेप मामले में फूटा लोगों का गुस्सा, घटना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। देवभूमि संघर्ष समिति ने बाहरी राज्यों से आए मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार शुरू किया, संजौली शहर में लगाया सनातन सब्जी वाले का बोर्ड। मथुरा के नौझील मंदिर मामले में हिंदू संगठनों का बड़ा गुस्सा, अभियान से जुड़े दिनेश शर्मा खून से लिखेंगे सीएम योगी को लेटर। मसूरी के बाद देहरादून में हुआ थूक जिहाद, रेस्टोरेंट में थूक कर बनाई रुमाली रोटी, कारीगर का वीडियो हुआ वायरल। मसूरी में थूक कर चाय बनाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों का नाम मोहम्मद नौशाद और हसन। उत्तराखंड के हल्द्वानी में युवती पर धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उसके भाई को चौकी बुलाया गया है, उसकी भी तलाश जारी है और जैसे लड़की की तरफ से तहरीर आती है उसी के अनुसार आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एमपी के उज्जैन में गरबा पंडाल में घुसते पकड़ा गया मुस्लिम युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार, युवक के फोन से मिले आपत्तिजनक वीडियो। मध्य प्रदेश के देवास में गरबा में पकड़ा गया मुस्लिम युवक, मोबाइल में लव जिहाद से जुड़ी सामग्री भी मिली, पुलिस को दी गई मामले की सूचना। बागपत में जैविक जिहाद केस में बड़ा एक्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित, आरोपी जब्बार और मुशीर की तलाश जारी। यूपी के मुरादाबाद में मुस्लिम बीजेपी वर्कर को धमकी, बीजेपी को वोट दिया तो गोली मारकर बिगाड़ देंगे सूरत, सपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। कानपुर में सपा शासनकाल में हुए दंगा मामले में फैसला, दंगे के बाद दर्ज मुकदमे को योगी सरकार ने लिया वापस। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज के बाहर धरने पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ी, मेडिकल टीम ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाने की हिदायत दी है। कोलकाता में आरजी कर मामले में डॉक्टरों का गुस्सा बरकरार, पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे डॉक्टरों ने निकाला मार्च। बंगाल सरकार पर जेपी नड्डा का हमला, कहा बंगाल में महिलाओं के साथ हो रही क्रूरता, सत्ता में बैठे लोगों को दया नहीं आ रही। महिलाओं के साथ जो क्रूरता होती है और जो क्रूरता हो रही है, माँ दुर्गा जो सत्ता पे बैठे हैं उनके मन में करुणा आए और हम लोगों को शक्ति दें ताकि इस तरीके के अन्याय को हम दबा सके। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा, आज माता नैना देवी के मंदिर में करेंगे दर्शन, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने दुर्गा पंडाल में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री ने भगवान से प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। सीएम योगी आज करेंगे कन्या पूजन, गोरखनाथ मंदिर में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। अयोध्या में डांडिया महोत्सव का आयोजन, मुंबई, दिल्ली, पंजाब और लखनऊ से आए भक्त हुए शामिल। दिल्ली के लौकुश रामलीला में शिरकत करेंगे बॉलीवुड के कलाकार। विजयादशमी के दिन अजय देवगन और रोहित शेट्टी और करीना कपूर शामिल होंगे। वाराणसी में गंगा आरती के दौरान रतन टाटा को दी गई श्रद्धांजलि। 51 दीप जलाकर दी गई श्रद्धांजलि, हुआ शांति मंत्र का जाप। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रतन टाटा के निधन पर जताया शोक। घटना पर विश्व भर से महान हस्तियां जारी कर रही हैं शोक संदेश। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, नमकीन के पैकेट से 2000 करोड़ की कोकीन बरामद। रमेश नगर के जिस गोदाम से कोकीन बरामद, उसका मालिक यूके का नागरिक था। आरोपी मालिक की तलाश जारी है। इंजीनियरिंग का टॉपर निकला डिजिटल अरेस्ट का मास्टरमाइंड। आगरा पुलिस ने आरोपी राजा रफीक समेत 4 को गिरफ्तार किया। पंजाब के तरनतारन सीमा पर बीएसएफ का बड़ा एक्शन, प्लास्टिक की बोतलों में भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी की महिला पार्षद ने पुलिस को दी चेतावनी। सड़क पर शराब पीने वाले लोगों पर कार्रवाई करने को कहा, एसपी को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम। उधर मैनपुरी में सड़क हादसे में महिला समेत 2 की मौत, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बाइक की चैन में फंसकर दरअसल साड़ी फंस गई थी, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। एमपी के मैहर में दिन दहलाने वाला घटना जो है वो सामने आई है। ट्रेन के सामने खड़े होकर युवक ने आत्महत्या की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। भोपाल में आपको बता दें कि नवजात बच्ची मिली, इलाज के दौरान मौत हुई है। पुलिस ने मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। मुंबई में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश, पानी में डूबी सड़कें। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। मुंबई में भारी बारिश से हाल बेहाल, मुंबई के निचले इलाकों में भरा पानी। दादर के हिंद माता में लोगों को परेशानी हो रही है। मुंबई में भारी बारिश का कई इलाकों में दिखा बड़ा असर। कड़ाला में भरा पानी, अंधेरी में सबवे बंद हुआ। मुंबई में तेज बारिश ने मचाया कोहराम, कई इलाकों में जलभराव, लोगों को परेशानी। मुंबई में बेमौसम बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। चुनाव भट्टी में ट्रैफिक जाम, पानी भरने और बिजली कटौती की समस्या। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 29 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। नवी मुंबई में भारी बारिश से हाल बेहाल। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में 14 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अगले 2 दिनों में 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल। रक्षा मंत्री गैलेंट का बयान, घातक और सटीक हमला करेंगे। इजरायली मीडिया का बड़ा दावा, हिजबुल्ला के रक्षा मंत्री वाकिफ सफा पर हमला। नसरल्लाह का करीब है वाकिफ सफा। इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में किया हमला। बेरूत के रिहायशी इलाकों पर ताबड़तोड़ बम बरसाए गए। युद्ध के बीच दक्षिणी लेबनान पहुंचे आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ और शिन बेट के प्रमुख। हालात का लिया जायजा, सैनिकों से मुलाकात की। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें जर्मनी अब इसराइल को हथियार देगा और उस बात की पुष्टि भी लगभग कर दी गई है। अगली खबर लेबनान के बेका पर इजरायली हवाई हमले में 4 की मौत हुई, 17 लोग घायल हुए। लेबनान में अब तक लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। ईरान के विदेश मंत्री का बयान, कहा मिडिल ईस्ट में संघर्ष रोकने में अमेरिका उठा सकता है कदम। अमेरिका ने कहा तेहरान का समर्थन बंद करे ईरान। हिजबुल्ला ने जारी किया वीडियो। वीडियो में दिखाया गया किस तरह से इजरायली सैनिक उनके इलाकों में ऑपरेशन चला रहे हैं। इजरायल के हमले के बीच हिजबुल्ला ने जारी किया धमकी भरा वीडियो। लिखा, ये मत सोचो कि तुम घायल हो गए या नहीं, बल्कि ये सोचो कि तुम कब घायल हो गए। इजराइल के लिए जासूसी करने के शक में लेबनान में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। राजधानी बेरूत से किया गया गिरफ्तार।
इसराइल से जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति से मिलेंगे पुतिन। आज तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशखाबाद में मुलाकात होगी। क्रेमलिन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर दी जानकारी। चीन, ईरान और तुर्की समेत 24 देशों के नेता होंगे शामिल। 22 अक्टूबर से रूस के कजान में शुरू हो रहा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। और रूसी कब्जे वाले क्रीमिया में बड़ा हमला। हमले में फियोदोसिया हुआ बड़ा विस्फोट। और रूसी तेल टर्मिनल पर तेजी से आग फैल रही है। भगोड़े जाकिर नाइक का विवादित बयान का रेप और मर्डर होना अन्याय नहीं है। महिलाओं के कपड़ों पर भी जाकिर नाइक ने विवादित बयान दिया है। उधर बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंदुओं के खिलाफ आपराधिक घटनाएं। सतखीरा के मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी। 51 शक्तिपीठों में से एक है ये मंदिर। अमेरिका के फ्लोरिडा में भयानक तूफान मिल्टन का कहर। करीब 20 लाख से ज्यादा आबादी बिजली संकट से जूझ रही है। मिल्टन तूफान से सुपर पावर अमेरिका बेहाल। 160 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही हवाएं। 28 लाख से ज्यादा लोग अंधेरे में हैं। फ्रांस के सीने माने में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही। कई इलाके जलमग्न। आम जनजीवन पर संकट। सऊदी अरब के मक्का में बारिश से बुरा हाल। भारी बारिश के चलते सड़कों पर बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। अमेरिका में समुद्री तूफान मिल्टन ने भयंकर तबाही मचाई है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी। 14 साल के बच्चे को रेस्क्यू टीम ने बचाया। चलिए दर्शकों, खबरें सुपरफास्ट के बाद आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। लूट और चोरी के मामले में दरअसल ये बदमाश फरार था। तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। बदमाश के पैर में गोली लगी है और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। चेक इन के दौरान निठौरा से लोनी की तरफ एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। इस बाइक सवार व्यक्ति को पुलिस टीम द्वारा जब इसे रोकने के लिए इशारा किया जाता है तो ये व्यक्ति रुकता नहीं है तथा अपनी गाड़ी तेजी से मुड़ाते हुए रेलवे लाइन के किनारे तरफ भागने का प्रयास करता है। पुलिस टीम द्वारा शक के आधार पर जब इसका पीछा किया जाता है, इस व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा फायर किया जाता है। पुलिस टीम द्वारा सिखाए गए तरीकों से अपना बचाव करते हुए आत्मरक्षा जवाबी फायर किया जाता है, जिससे इस व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगती है।